सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? देखो, हम कल बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट के बारे में, और पास्ट परफेक्ट में हमने अफर्मेटिव नेगेटिव देख लिया था। आज इंटरोगेटिव की बात करेंगे। वैसे मैंने आपसे कहा था कि आप खुद बना के रहेंगे अपने अकॉर्डिंग, बताया था ना मैंने आपको, उम्मीद है आपने किया होगा। फिर भी मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा आज, उसका हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH वर्ड तक बनाएंगे, एक ही सेंटेंस में बनाएंगे, ठीक है ना? उससे पता लग जाएगा, वो इस प्रकार से आएंगे, ये हमारे एग्जाम में तो करेक्ट फॉर्म आएगी। करेक्ट फॉर्म अभी देखेंगे इससे पहले, ठीक है ना? देखते हैं एक सेंटेंस। सबसे पहले हम बात करें किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आप जानते हैं इसके बारे में अच्छे से, कल बताया था मैंने आपको कि ऐसा कार्य जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और ख़त्म हो गया, उसके बाद में क्या किया आपने, दूसरा कार्य स्टार्ट कर दिया लेकिन उसका कंफर्म नहीं कब खत्म होगा। दूसरी बात, इसमें टाइम आता है, सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए। मैंने बताया था कि जहाँ पर निश्चित समय की बात की जाएगी, इसका यूज़ करेंगे हम सिंस का। अगर पीरियड ऑफ टाइम की आए, कहने का मतलब अनिश्चित समय की बात आए, समय अवधि की बात करें, तो किसका यूज़ करते हैं, फोर का। आगे बात समझ में, मैं प्रेजेंट में बता चुका हूँ, कल पास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एक बार फिर एक सेंटेंस देखते हैं हम। देख, जैसे दिया पैटर्न दिया है आपको, ये पैटर्न था अपना। पहले क्या ला रहे थे, सब्जेक्ट ला रहे थे, उसके बाद हमने हेड लाए, साथ में क्या जोड़ा, बीन लगाया था, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी का यूज किया, ठीक है ना? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ला रहे थे, फिर ला रहे थे हम सिंस फॉर ला रहे थे, इसमें क्या ला रहे थे, सिंस फॉर, और फिर लास्ट में लिखा था टाइम। क्या लिखा था, टाइम, टाइम मतलब ध्यान। ऐसे हम बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे, अफर्मेटिव के बारे में। आप पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है ना? देखो, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, आठवें दिन हेड लाना है आपको, फिर बीन लाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। ध्यान रखना, जब भी बीन आएगा हेड के साथ, वर्ब में आईएनजी आएगी, क्लियर? अच्छी जानते हो आप, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो कौन सी फॉर्म कहलाती है, क्या फर्स्ट कहलाएगी, क्या सेकेंड फॉर्म कहलाएगी, या थर्ड फॉर्म के लिए, या फोर्थ फॉर्म के लिए, या फिफ्थ फॉर्म के लिए, बताओ मुझे। फोर्थ फॉर्म के लिए, कौन सी फोर्थ? आपने नाम सुना कि फॉर्म तो तीन ही होती है सर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये होते हैं ना। लेकिन ध्यान रखो, आज से ही भूल जाओ आप, जैसे हम आईएनजी का वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, वो कौन सी कहलाएगी, आपकी फोर्थ फॉर्म। अगर हम टू वर्ब को एक साथ जोड़ते हैं, उसमें टू का यूज करते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, वो कहलाती है हमारी इन्फिनिटिव वर्ब। कौन सी कहलाती है, इन्फिनिटिव, वो आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना? इतना ध्यान रखो अभी तो। फिर हम ऐसा करना है, जैसे कि मान लो एक सेंटेंस दिया आपको हमने, क्या दिया, सेंटेंस, सेंटेंस कैसे दिया, जैसे लिखा राहुल कुछ समय से कोटा में रह रहा था। जैसे मान लिया सेंटेंस दिया आपको, ज्यादा कुछ टफ सेंटेंस नहीं है, बिल्कुल लीजिए ध्यान देना। क्या लिखा सेंटेंस, राहुल कुछ समय से कोटा में रह रहा था। पहली बात तो आपने क्या पहचाना, रह रहा था, जैसे ही था कि आगे रहा के साथ इसमें चला गया कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस कौन सा है, पास्ट वाला, लेकिन कौन सा पास्ट है, समय है। देखो कुछ समय से, समय दिया ना, अगर समय आएगा समझ जाओ कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। पीछे क्या आना चाहिए, रहा था, रही थी, कैसे बनाओगे, पहले क्या लाते हैं हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, राहुल, क्या है, राहुल, रख देंगे राहुल। ये देखो, ध्यान रहे, पहला वर्ड कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, आगे बात समझ में। राहुल लिखा, जस्ट बाद में क्या आ रहा है, हेड रख दीजिए। फिर क्या लाना है हमें, बीन, ये भी रख दीजिए। फिर लाना है हमें वर्ब में आईएनजी, क्या लाना है, वर्ब में आईएनजी लाना है। कैसे जोड़ोगे, देखो रह रहा था, ठीक है ना? अब रहने को क्या बोलते हैं, वर्ब क्या है यहाँ पे, काम क्या हो रहा है, रहने का। अच्छा, वर्ब कितने प्रकार की होती है, किसे कहते हैं वर्ब, जानते थोड़ा वर्ब, सुनो, वर्ब लैटिन लैंग्वेज के वर्बम वर्ड से बना है बच्चों, किससे, वर्बम से। वर्बम का मीन होता है
यानी कि कार्य करना, क्या करना, कार्य करना। ये हमारे बहुत सी प्रकार की होती है, आपने नाम सुना होगा, मैंने पिछली क्लास में डाल चुका हूँ, ध्यान देना। जैसे कि मैंने बात की थी वर्ब के अंतर्गत, जैसे हमारी एक्शन वर्ब होती है, हमारे मॉडल्स वर्ब होती है जिसे हम मॉडल कहते हैं, हमारी ऑक्जिलरी वर्ब्स होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती है, फ्रेजल वर्ब्स होती है। उन सब के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से, आप पीछे की वीडियो जरूर देखना, उसमें मिलेंगे आपको सारी बातें। तो देखो हम बात करेंगे यानी कि वर्ब का मीन क्या होगा, यानी कि जो हमारे द्वारा कार्य किया जाए। वर्ब का मीन क्या होता है, कार्य करना, यानी कि बिना वर्ब के इंग्लिश अधूरी है और बिना वर्ब के जिंदगी भी अधूरी है। पूछो कैसे, आप जानते हो जैसे सांस लेना क्या है, वह भी क्रिया है, सांस खत्म जिंदगी खत्म, कहते बात। इसका मतलब इसका बिना कुछ भी नहीं है। आपने कोई भी सेंटेंस बनाया, अगर उसमें वर्ब क्रिया ही नहीं और इसका मतलब सेंटेंस का भी अस्तित्व समाप्त हो गया। इसका मतलब अपने पास वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंस है किसी भी सेंटेंस में, दुनिया की किसी भी सेंटेंस में वर्ब का क्या है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बात का ध्यान रखना। बिना वर्ब के सेंटेंस अधूरा माना जाता है। अरे बात समझ में, कई बार आपने देखा वर्ब नहीं आती लेकिन कहीं ना कहीं वर्ब रहती है उसके अंदर छुपी हुई, होती ना थी। हम एज अ कोई कोई चीज़ मानते हैं उसके अनुसार आती है। तो वो वर्ब की बात कर रहे हैं हम अभी। आप देखो वर्ब क्या, एक प्रकार से काम क्या हो रहा है, रहने का, क्या हो रहा है, रहने का। अब रहने को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, लिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिव। आप जानते हो ये देखो लिव कैसे लिखते हैं, लेकिन जैसे आईएनजी जोड़ोगे इसको हटा दो और आईएनजी लगा दो। मैंने आईएनजी नियम के बारे में बात की थी आपको, एक बार फिर बता दूं, ध्यान रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक थोड़ा सीख लो आप, अगर कोई भी वर्ब आ गई, ध्यान रखना अच्छे से सुनना बड़े बातों को, अगर कोई भी वर्ब आ गई, जैसे मैंने लिखा राइट, क्या लिखा, क्या मिला, अगर किसी भी वर्ब के अंत में ई आ जाए तो आईएनजी लगाते से मैं इस ई को हटा देते और क्या जोड़ते, सीधे आईएनजी जोड़ते। एक वर्ड मैंने लिखा कट, क्या लिखा, कट। अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, कॉन्सोनेंट है, टोटल लेटर कितने होते हैं हमारे इंग्लिश में, 26, जिसमें 5 ओवल्स होते हैं, 21 बचे, वो क्या कहलाए, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट, ए ई आई ओ यू के बाद में बचे वो सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब देखो टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। इसके जस्ट पहले हमें क्या मिल गया, वावल मिला, ओवल नहीं कहेंगे, वावल मिल गया। उसके बाद क्या मिला दोबारा वापस, क्या मिला, कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावल आ जाए तो जब भी आईएनजी लगाते हैं ना, इस कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं फिर आईएनजी जोड़ते हैं। आगे बात समझ में। तीसरी बात बताओ मैं तुम्हें, तीसरी कंडीशन, जैसे मैंने लिखा ईट, क्या लिखा, ईट। अगर एक कॉन्सोनेंट हो उसके जस्ट बाद हमारे पास डबल वावल्स आ रहा हो, कितना, 200 आ रहे हो, ई भी है और ये भी है, एक नहीं है। अब ऐसे हालात में क्या करें, इसको डबल नहीं करेंगे, सीधा आईएनजी जोड़ते हैं। आई बात समझ में, दोबारा फिर समझो, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो आईएनजी लगाते समय ई को क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, सीधा आईएनजी ऐड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो, इनकी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको एक वावल मिल जाए तो क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय इस कॉन्सोनेंट को, ये नहीं इधर वाला पीछे वाला, इसको डबल करेंगे फिर आईएनजी जोड़ेंगे। आगे बात समझ में। अगर इसमें मान लीजिए हमारे कॉन्सोनेंट से पहले क्या रहा, मेरे पास डबल वावल्स आ रहा हो तो क्या करेंगे, सीधा आईएनजी जोड़ते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं। एक बार फिर सीखो, अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा डाई, अगर किसी वर्ब के अंत में आई आ जाए बच्चों, क्या आ जाए, आई हो रही, तो ध्यान रखना है जब भी आईएनजी लगाएंगे ना, इस आई का वाई कर देते हैं। इस प्रकार से डी तो लिखा, इस आई का मैंने क्या किया, वाई कर दिया, किया वो लगा दो साथ में आईएनजी, हो गया डाइंग। इस प्रकार से बनाते हैं, टाई टाइंग कर देते हैं, करते नहीं करते, यानी कि ये आईएनजी लगाने के नियम है, ये हमें याद होना चाहिए। हम कई बार क्या करते हैं, इसे राइट लिव लेता ना, उसके साथ बच्चे बहुत सारा क्या करते हैं, लिव लिखा उसके साथ इसे आईएनजी जोड़ देना, इसका मतलब फिर होंगे वो। ध्यान रखना किसी वर्ब के अंत में ये आएगा हटा देंगे, किसी डबल कॉन्सोनेंट के बीच में एक वावल आ रहा तो डबल उसको डबल करके आईएनजी जोड़ देंगे। अगर एक कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावल आ रहा हो सीधा आईएनजी जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए किसी वर्ब के अंत में हमारे पास कहीं आ रहा हो, आई और ये आ रहा हो, तो क्या करेंगे, फिर हम वाई कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। आया समझ में, आता है, आया क्या, चलो एक काम करें, सेंटेंस को पूरा कर दें फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। सुना रही हूँ,
चलो ये तो ऐसा करो, इसको भी आप नोट करना, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अभी रुको एक मिनट, राहुल हैव बीन लिविंग रखा हमने। अब देखो कहाँ रह रहा है, पहली बात तो ऑब्जेक्ट लाओ, हमारे पास प्लेस क्या है, कोटा में, तो लिखेंगे इन कोटा, इन कोटा लिखेंगे। उसके बाद में कब से, कुछ समय से, जानते हो कुछ समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ को समय को क्या बोलते हैं, फॉर सम टाइम, क्या बोलते हैं, कुछ समय को बोलते हैं सम टाइम। इसका मतलब सम टाइम क्या है हमारे पास, क्या निश्चित समय है, क्या पॉइंट ऑफ टाइम है क्या। मैंने कहा मैं कुछ समय से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आपको पता है कब से खड़ा हूँ, कोई समय पक्का नहीं। कुछ समय का मतलब हो सकता है आधा घंटा हो सकता है मैं एक घंटे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा देर की बात कर ली हो, इसका मतलब कंफर्म नहीं है। ऐसे हालात में क्या करते हैं, हम फोर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। तो लगाएंगे फोर, इसको हम फोर भी नहीं कहते पूरा, फोर इस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद फिर देखो कब से, कुछ समय से, सम टाइम, फोर सम टाइम, ऐसे आ जाएगा, आ गया। और लगा दो पीछे फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस आपका, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर समझो, राहुल कुछ समय से कोटा में रह रहा था, जैसे आपने हेड लगाया इसका मतलब बन गया रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लाए हमने, हेड का यूज किया, साथ में बीन जोड़ा, वर्ब में आईएनजी लाए, प्लेस लिखा हमने इन कोटा, और कब से, कुछ समय से, फॉर सम टाइम, उम्मीद है समझ में आया होगा। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे नेगेटिव में कन्वर्ट, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, आप इन्हें बिल्कुल नोट कर लिया होगा। अब मान लीजिए मुझे इसे नेगेटिव में बनाना है, किसे बनाए नेगेटिव में, कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, इधर देखो सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, बीन मिल गई, वन टू थ्री, यहाँ पर थर्ड स्थान पे नोट लगा देंगे। आगे बात समझ में, जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाओ सब्जेक्ट के बाद में जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद में क्या लगा दो, नोट लगा दो। अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल देसी तरीका बता दूं, थर्ड स्थान पे नोट लगा दो, क्या लगा दो, थर्ड स्थान पे नोट। आगे बात समझ में, दुनिया के एक्टिव सेंटेंस से मिले, इसमें थर्ड स्थान पे क्या आता है, नोट आएगा। देखो देखो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो मैंने राहुल कुछ समय से कोटा में नहीं रह रहा था, ऐसे बोल देंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ नोट लगा दिया, क्या बन गया हमारा सेंटेंस, नेगेटिव बन गया। अरे बना नहीं बना, बन गया। अब देखो अगर मैं इसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाऊ, क्या बनाऊ, इंटरोगेटिव। देखो देखो इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे, पहले क्या लाएंगे, हेड, फिर लाना हम सब्जेक्ट, फिर लाएंगे हम वही भी वर्क में आएंगे लगाएंगे, फिर सर हमारा जरूर आएगा। इंटरोगेटिव अलग से बता दूं, ये ऐसे में बता दूं, चलो अलग से बताते हैं थोड़ा सा, ये तो समझ में आ गया ना आपको अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में। चलो देखते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव है क्या, देखो इधर ये दो प्रकार स्टार्ट होता है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से जिसे बोलते हैं एचवी से, दूसरा होता है मेरा डब्ल्यूएच वर्ड से, कौन से, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना। दो बातें होती है हमारे डब्ल्यूएच वर्ड में यानी इंटरोगेटिव में, एक तो स्टार्ट होता है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, जिसमें सीधा बोल देते हैं क्या से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। और डब्ल्यूएच में वर्ड में देखा होगा आपने, पहले सब्जेक्ट लाते हैं, बाद में आता है क्या क्यों कैसे जो भी है, आगे बात समझ में। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इंटरोगेटिव में तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लाएंगे, आफ्टर देन सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हम वर्ब में जो भी वर्ब में आएगी या कुछ भी जो जुड़ेगा वो जुड़ेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर सेंटेंस इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है, और लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आगे बात समझ में, देखो कैसे करते हैं, आइए पैटर्न देख लेते हैं एक बार अच्छे से। आई देखो पैटर्न लिखा, अब तक क्या कर रहे थे, पहले क्या ला रहे थे हम, सब्जेक्ट या हेल्पिंग वर्ब बताओ, सब्जेक्ट, अब क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के पास्ट कंटीन्यूअस की हेड है ना, इसके बाद में क्या लाएंगे, अब लाएंगे सब्जेक्ट,
आगे बात समझ में, जस्ट बाद में क्या लाना है, हमें बिन लाना है। क्या लाएंगे? बिन। अब बिन के बाद में क्या करना है भाई, उसके बाद में हमें लाना है भाई वर्ब में क्या लाओगे, आईएनजी प्लस क्या लाओगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्या लाना है आपको, सेंस फॉर, और फिर प्लस हमें क्या लाना है, टाइम। जानते हो टाइम तो आता ही है, तभी तो सेंस फॉर लगाते हम। टाइम ऐसा आता है वो सी बार निश्चित आ जाता है, वो सी बार निश्चित आ जाता है, जिसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। आगे बात समझ में, तो इसी का अनुसार आएगा। एक सेंटेंस दे दूं, रेडी हैं आप? चलो करते हैं स्टार्ट। एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे लिखा मैंने क्या, क्या आप, क्या आप दो घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे? अब देखो क्वेश्चन हमारे पीछे आ गया। क्या क्या हमने इंटरोगेटिव को स्टार्ट किया, सबसे पहले हम क्या लाए, क्या से वाक्य स्टार्ट किया, पीछे कहाँ लाके डाल दे इसको हमने, कर रहा तक, किसमें कर रहा था या कर रहे थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने किसी से कहा, जैसे आप ही से कहा मैंने, क्या आप मेरा आधे घंटे से या दो घंटे से इंतजार कर रहे थे, इसका मतलब मैंने क्या किया, आपसे क्वेश्चन किया। अब आप कहेंगे ना हम तो नहीं कर रहे थे, या फिर जिसको करना हुआ जो कर रहा था बोलेगा यस सर हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप लेट हो गए। अरे बात सुनो, इसका मतलब हमने क्वेश्चन किया कि नहीं किया, किया ना। इसका मतलब पहले हमें हेड लाना है, फिर सब्जेक्ट लाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद में सेंस फॉर का यूज करना है, फिर टाइम लाना है। आगे बात समझ में, कैसे लाओगे, सेंटेंस बनाते हैं। देखो, क्या आप दो घंटे से मेरा वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, पहले क्या लाऊं, क्लियर। सब्जेक्ट लाइए, आपको क्या बोलेंगे, देखो बड़ी इंग्लिश अजीब है, इंग्लिश बड़ी अजीब है, किस तुम कहो तो भी यू, आप कहो तो भी यू, तू कहो तो भी यू, हरी बात समझ में। तो एक ही वर्ड से बहुत सेंस निकलते हैं, आगे बात में, लेकिन इंग्लिश वर्जन एक होता है इसका। यू हैड लिखा, क्या लाओगे, बीन रख दो, वर्ब में लाओ आईएनजी, बताओ वर्ब क्या है, अब आपकी बारी है, काम क्या हो रहा है बताओ, इंतजार करना, क्या करना, इंतजार करना, इंतजार करने क्या बोलते हैं, वेट करना, क्या करना, वेट, ऐसे बेटे से लिखते हैं। आईएनजी लगाएंगे, क्या करेंगे, हटाओ इसको, जोड़ो आईएनजी, वेटिंग किसका, मेरा। अब मेरा को क्या बोलोगे, माय बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव केस लाना है, न कि पॉजेसिव केस। ध्यान रखना बच्चों, माई, अवर, हर, हिज, ये आते हैं साथ में, इनके साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ नाउन जरूर आता है, जानते हो आप। जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं लिखूं, अब माई का मतलब माई वेट तो नहीं कर सकता, या तो लिखूंगा माई माई फादर, माई ब्रदर, माई स्टूडेंट, माई टीचर, ऐसे तो बोलूंगा ना, माई हाउस, इस प्रकार से बोलूंगा, सीधा माई थोड़ी लिखूंगा। लेकिन जैसे हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव मी लिखेंगे, इसका मतलब वो क्या, इसका मतलब मेरा हो गया। अब यहाँ पे अगर मेरे के बारे में हम आगे से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आई का यूज करते हैं। अगर मेरे पापा की बात करती मैं, तो माई फादर लिखूंगा, मैं लिखवा नहीं लिखवा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमारे पास पॉजेसिव केस आएगा, वो इनको उसके साथ नाउन जरूर आएगा। आगे बात समझ में, आगे देखो, अब देखो, हेड लिखा, यू लिखा, बीन लिखा, वेटिंग कर दिया, मैं लिख दिया, मेरा, कब से कर रहे थे बताओ मुझे, दो घंटे से। अच्छा मुझे बताओ, दो घंटा फिक्स है क्या, कन्फर्म है क्या, नहीं है। दो घंटा पता नहीं, सुबह के हो सकते हैं,
आफ्टरनून के हो सकते हैं, इवनिंग के हो सकते हैं, नाइट के हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है ना। ऐसे हालात में किसका यूज करते हैं हम? फोर। किसका करेंगे? फिर तब से टू हावर्स, यानी कि दो घंटे से मतलब टू हावर्स ऐसे बन जाएगा। वो लास्ट में क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है समझ में आया होगा। आया समझ में तो फिर करो इतना नोट, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे देखो, अब देखो इसको मैं एक चीज में कन्वर्ट करता हूँ इसी सेंटेंस को। हमें रटने पे बल नहीं देना, ध्यान रखना है, जितना हो सके समझो, रटना छोड़ो। गए रटने वाले जमाने, रटोगे तो रटते रह जाओगे, अपने आप को सर्जन बनाओ, तर्क करना सीखो। अगर जिसने तर्क करना सीख गया, जिसको बनाना आ गया, रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने से व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता और वह पिछड़ा चला जाता है, इस बात का ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पे, अब इसको मैं नेगेटिव बनाऊँ, क्या आप दो घंटे से मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे? ये लो, लगा दिया मैंने नहीं लगा दिया, कौन सा सेंटेंस हो गया? इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या किया हमने वहां पर, कहां पे? जैसे पहले लिख रहे थे भी, हम क्या लिखा था? जैसे हेड लिखा था हमने, यू लिखा था, उसके बाद में बीन लिखा था, इसी बीन के बीच में नोट लगा दो ना, बन गया हमारा सेंटेंस। सेम सेंटेंस रहेगा, यानी कि आपको क्या करना है, इस थर्ड स्थान पे क्या लगाना है? नोट लगाना है, बन गया हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। आगे बात समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा। अब एक और अपने पास थोड़ा हमें परेशान करता है बार बार, वो है हमारा WH वर्ड। वो सिर्फ कहते हैं कि इसको अलग से पढ़ा जाता है, ये कोई अलग से पार्ट नहीं है बच्चों, ये इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। मैंने बताया ना अभी, इंटरोगेटिव टू टाइप स्टार्ट होते हैं, एक तो WH वर्ड से, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमने अभी जस्ट देख लिया, देखो देखा ना। अच्छा जानते हो हमारी टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है? कितनी होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स? देखो सुनो, मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ, आप एक बार फिर देखना, हमारे टोटल हेल्पिंग वर्ब्स होती है 24। कितनी होती है? 24 होती है। 11 तो होती है हमारे टेंस की, और 13 होती है हमारे मॉडल की। 11 किसकी होगी? टेंस की, और 13 किसकी होगी? मॉडल की। तो 11-13 कितने हो गए? 24। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम दूसरा नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब। इसी का तीसरा नाम बताया था मैंने, एनोमलस फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है ना, सीखो, बता चुका हूँ मैं, इतना आया समझ में। अब देखो बनाते हैं WH वर्ड, छुड़ा रही हूँ, बिटा दे इनको। देखो अगर मैं इसी का WH वर्ड बनाऊँ, कैसे बनाऊँगा बताओ मुझे, बता पाएंगे आप? कुछ नहीं करना, क्वेश्चन मार्क आएगा ऐसे, यहाँ पर ये इंटरोगेटिव में WH छोड़ दो, बन गया। जब भी WH का पैटर्न बनाना हो कोई से भी टेंस में, इंटरोगेटिव के पैटर्न के आगे क्या लगा दो? WH। अब WH के अंतर्गत बहुत सारी बातें आती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, वेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे इसी में आते हैं, आते हैं ना। इसका मतलब ये हमारे WH वर्ड हो गए। अब मैं इसको कैसे बनाऊँ सेंटेंस को? क्या आप, अब क्या हटा दूंगा मैं यहाँ से, क्या आप दो घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे? अब मैंने कहा, जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके लिए, कैसे WH में कन्वर्ट करेंगे, इसे मैंने लिखा, आप आधे घंटे से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? देखो लॉजिक तो देखो, क्या डिफरेंस है? बस ये खेल है। हम पहले क्या ला रहे थे? आगे ला रहे थे, इसको ला रहे थे ना, लेकिन जैसे यहाँ लाए थोड़ा सा मेन चेंज हो गया, थोड़ा इसका रूप बदल गया, रूप रंग बदल गया इसका, देखो स्ट्रक्चर बदल गया। आप आधे घंटे से क्या कर रहे थे? करते नहीं कुछ हम, जैसे मैंने आपसे कहा क्या कर रहे थे आप आधे घंटे से, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम क्या लाएंगे, अब WH वर्ड लाएंगे। ढूंढो कहाँ WH वर्ड, क्या क्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट,
जिसे वाट कहते हो तुम लोग, वाट है ये। वाट के बाद में क्या लाओगे? हेड रख दीजिए। फिर लाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? आप, आपको बोलते हैं यू। फिर लाओ बीन, रख दीजिए बीन। फिर लाओ वर्ब में आईएनजी, बताओ क्या कर रहे थे भाई? करने को क्या बोलते हैं? डू। आईएनजी लगा दो, क्या डूइंग हुआ ना। उसके बाद कब से? आधे घंटे से। आधा घंटा कंफर्म है क्या? नहीं है। क्या लगाओगे? फोर, हाफ एन आवर। आधे घंटे को क्या बोलते हैं? हाफ एन आवर, ऐसे। और क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया सेंटेंस आपका। आया समझ में? एक बार फिर समझो, जब भी हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड आएगा बीच में कहीं भी, उठा के आगे रखेंगे। जस्ट बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जैसा टेंस होगा वैसे ही लगा देंगे। यहाँ परफेक्ट की बात करें तो वो आ गया यहाँ पे। सब्जेक्ट लाना है, बीन लगाना है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है, ऑब्जेक्ट हमारे पास इसमें कहीं भी नहीं है, छोड़ दो। क्या बच्चा केवल दो घंटे, आधे घंटे से कंफर्म नहीं है, फोर लगा दिया और आधे घंटे को बोलते हैं हाफ एन आवर, हमने जोड़ दिया। उम्मीद है समझ में आ गया। वक्त तो इतना नोट करो, फिर बढ़ेंगे आगे। देखो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक सेंटेंस में आपको देता हूँ, आप बना के लाएंगे, फिर बताते हैं, चलते हैं करेक्ट फॉर्म की तरफ। देखो सेंटेंस दिया आपको हमने, बच्चे कुछ समय से कक्षा में क्यों चिल्ला रहे थे। कैसे बनाएंगे आप इसे? बना सकते हो ना आराम से? पहले क्या लाओगे बताओ मुझे? क्या लाएंगे पहले? डब्ल्यू एच वर्ड। क्या है डब्ल्यू एच वर्ड मेरे पास? क्यों। क्यों को क्या बोलते हैं? वर्ड, ठीक। क्या लाओगे? हेड रखो। क्या लाओगे? सब्जेक्ट बच्चे, चिल्ड्रन। फिर चिल्ड्रन के बाद में क्या लाओगे? बीन। वर्ड में आई एन जी, चिल्ड्रन ने क्या बोलते हैं? क्राइंग। उसके बाद कहाँ पर कक्षा में? इन द क्लास। कब से? कुछ समय से, फोर सम टाइम। कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया, जो हमारे पैटर्न कह रहा था वैसा वैसा लिख दिया, बन गया सेंटेंस हमारा। ऐसे बनाए जाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। आगे बात समझ में? अब देखो ये तो बातें कर ली हमने टेंस की, हिंदी में कैसे सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश का हिंदी का कैसे इंग्लिश वर्जन करते हैं बात कर दी हमने। अब देखो हमारे एग्जाम में आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। क्या नाम सुना आपने? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्या होगा इसका मतलब कि आपको क्या करना है? करेक्ट वर्ब भरनी होती है, सही वर्ब भरनी होती है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब भरनी होती है। सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी कैसी होगी? वैसी हो जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर आएगी। सब्जेक्ट प्लूरल है वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन होते हैं, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो मैं हमारे लिए बड़े दुखदायी साबित होते हैं, उनको भी हम सीखेंगे। जैसे कल बताया था मैंने बिफोर वाला, बिफोर आफ्टर का खेल बताया था कल। अगर मान लीजिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो बिफोर आफ्टर के बाद में जो सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब भरते हैं वो सेकेंड फॉर्म भरते हैं। एक तो ये बात बताए, लेकिन बिफोर या आफ्टर से पहले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये मैंने बताया था कल आपको, एक्सेप्शन से थोड़ा अपवाद था। कल की वाली क्लास जरूर देखना, ज्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की। रेडी है आप लोग? करें स्टार्ट। देखो सुड़ा रिमो बेटा दिन को लिखना, यही है सारी बातें यही है लिखने वाली। अब देखो इसमें क्या होता है, यदि आपको दो वाक्य दिए गए हो, कितने? दो सेंटेंस, दो बातें होंगी एक साथ चलती है, और समय से पहले आपके पास सेंस फोर आ रहा हो। किससे पहले? समय से पहले। यदि आपको दो बातें दे दी जाए और समय से पहले क्या दे दिया जाए आपको? सेंस फोर दे दिया जाए। तो ध्यान रखना ऐसे हालात में हम क्या करते हैं,
एस एल आर क्या करते हैं हम, यानी कि हेड बिन और के साथ क्या लगाते हैं, वर्ब में आई एन जी जोड़ते हैं। आगे बात समझ में। और कई बार ऐसा होता है दो सेंटेंस होते हैं ना, एक तो चलता है हमारा कॉन्टिन्यूस में, दूसरा चलेगा हमारा किस में, पास्ट टेंस में, किस में, पास्ट सिंपल में, इस प्रकार चलता है। आगे बात समझ में। तो कुछ बातें हम लिख लेते हैं, समझते हैं। देखिए, यदि दो वाक्य दिए हुए हो, कैसे, यदि दो वाक्य दिए हुए हो, क्या बोला, ध्यान रखना सेंटेंस कितने दिए हुए, दो, और किसी भी एक वाक्य में, और किसी भी एक वाक्य में, एक वाक्य में समय से पहले मतलब पूर्व, सिंस फोर अथवा ओल हो, तथा दूसरा वाक्य पास सिंपल का हो, तथा दूसरा सेंटेंस मतलब दूसरा वाक्य पास सिंपल में हो, सिंपल में हो, तो क्या करते हैं, तो हेड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ध्यान दो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, तो क्या करोगे, क्या कहा था वगैरह, यदि दो वाक्य दिए गए आपको, कितने, टू सेंटेंस। आगे बात समझ में। दो सेंटेंस दे दिए आपको और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले क्या हो, ये हो, या तो सिंस मिल जाए हमें, या फोर मिल जाए, या मिल जाए हमें ऑल मिल जाए। आगे बात समझ में। उसके बाद दूसरा वाक्य किस में हो, पास्ट सिंपल टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में होना चाहिए। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट सिंपल में। तो ऐसे हालात में फिर क्या करेंगे हम, हेड बिन वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। आगे बात समझ में, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर क्या आया। देखो, जैसे लिखा मैंने सी, यहाँ लिखा कुक फूड फॉर हर फैमिली, फूड हर फैमिली फॉर एन आवर, फॉर एन आवर एक घंटे की बात चल रही है, फॉर एन फोर एन आवर। फिर दिया आप उसके बाद में वेंट टू मार्केट। सेंटेंस को ध्यान से समझो क्या बोलना चाह रहा है। देखो इधर आपको सेंटेंस दिया, सी कुक फूड फॉर हर फैमिली। देखो एक फोर्थ आया उसके लिए, परिवार के लिए, किसके लिए आ गया, उसके परिवार के लिए आ गया। दूसरा फोर हमने यूज किया किसके लिए, समय के लिए, आया कि नहीं आया। दूसरी बात कहा मैंने कि दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ, पास्ट सिंपल टेंस आएगा, वेंट आ गया, आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये तो कन्फर्म हो गया हमारे पास है कि हमारे पास सेंटेंस कौन सा है। कैसे पता लगाओगे, जब भी हमारे पास है, देखो सेंस फोर आ गया, हमारे पास फोर आ गया, देखो आया कि नहीं आया। उसके बाद में एन हावर समय आ गया, उसके बाद दूसरा सेंटेंस चला, उसमें हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट टेंस आ गया। इसका मतलब ये तो बोल रहा है सेंटेंस,
क्या बोल रहा है कि पहले हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस में क्या होगा हमारे पास है? समय से पहले सिंस फोर आएगा, ये देखो समय हमारे पास क्या है, देखो इधर एन आवर, एक घंटा, एक घंटा क्या होता है समय थे, उससे पहले फोर आया नहीं आया, आ गया। दूसरे सेंटेंस में हमारे पास क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, देखो दूसरा सेंटेंस वैन, सी वैन, वो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, और पास्ट में क्या आता है हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, वेंट कर दिया हमने, आया वास में थोड़ा बहुत। देखो इधर अब क्या और हो गए, सी क्या है सब्जेक्ट है, पहले क्या लाओगे हेड, फिर लाओगे इसमें कुकिंग, बन गया सेंटेंस आपका। आखिरी बात हेड बीन भी लगाओ, बीन लगाना भूल गए, ठीक है ना, हेड बीन कुकिंग ऐसे आ जाएगा। देखो यहाँ भी लिखा है मैंने कहाँ, ये हेड बीन और वर्ब में आएंगे लगाना है, हेड बीन कुकिंग फूड, इस प्रकार से बन जाएगा। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। देखो दूसरा सेंटेंस देखो आगे, द टीचर टीच फॉर फाइव आवर्स व्हेन द स्टूडेंट वेंट, आगे सेकंड फॉर्म, इधर समय से पहले क्या मिला, देखो यहाँ पे क्या मिला हमें, फाइव आवर्स यानी कि पाँच घंटे समय मिल गया, क्या लगा दिया फोर, समय से पहले क्या आ गया फोर आ गया, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस में क्या आ गया हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट सिंपल टेंस, क्या पढ़ दोगे हैड बीन और टीचिंग कर दोगे, ये करोगे ना, इस प्रकार से टीचिंग आ जाएगा, इसमें हैड बीन टीचिंग आ जाएगा, ऐसे बनाओगे तो ठीक है। आज हम क्लास इतनी रखेंगे, इसके बाद हम क्लास हमारी कल होगी, कल आप रेडियो के आइएगा और इनको अच्छे से घर पे दोहराइएगा, ठीक है ना, ओके, आज की क्लास में बैंड करते हैं।